नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं ललितपुर लाइव टीवी। ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ललितपुर की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरों पर। ललितपुर जिले के थाना बानपुर में आज पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र ने किया थाना बानपुर का निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क के सही तरीके से क्रियान्वयन हेतु महिला आरक्षियों को किया पुरस्कृत और थानाध्यक्ष बानपुर राजकुमार यादव के कार्यों की सराहना करते हुए और अच्छा भी कार्य करने हेतु उनका उत्साह और साहस बढ़ाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। आइए देखते हैं ललितपुर लाइव टीवी के लिए बानपुर से आमिर खान मंसूरी के साथ धनेंद्र प्रताप सिंह की पूरी रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना जाकलौन क्षेत्र अंतर्गत दौरा कस्बे के जंगलों में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर जंगल में फैली रही इस आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और तब जाकर कई ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आखिर किस तरह लगी जंगल में आग, देखिए विस्तृत रिपोर्ट। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा दौरा से सुनील यादव की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देशानुसार शहर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ला के आदेशानुसार आज सदर चौकी इंचार्ज सतीश कुशवाहा ने पुलिस बल के साथ शहर के कंपनी बाग में बाहर रोड पर खड़े दोपहिया वाहनों की सघन चेकिंग की और साथ ही उन्होंने बगैर लैप और बगैर नंबर के खड़े वाहनों के तत्काल मौके पर ही धड़ाधड़ चालान काटे। सदर चौकी इंचार्ज की इस कार्रवाई से शहर में लापरवाह वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ललितपुर जिले में महिला दिवस 8 मार्च को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण महिला पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस पर्व पर महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा महिलाओं के हितार्थ कल्याणकारी कार्य को समर्पित करने हेतु एक शिविर सुवन मंदिर प्रांगण में 5 मार्च को संध्या 4 बजे से आयोजित किया जा रहा है। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सीनियर डिवीजन कोड जज ललितपुर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि महिला दिवस से पूर्व पारिवारिक न्यायालय के मामलों में 6 मार्च को परामर्श व सुलह समझौता के लिए वृहद लोक अदालत का आयोजन परिवार न्यायालय ललितपुर में किया जा रहा है। इस शिविर में घरेलू हिंसा से महिलाएं अपना बचाव कैसे करें, कन्या भ्रूण हत्या भरण पोषण विधि एवं विवाह एवं कानून विधि पर सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाया जा रहा महिलाओं कमीशन शक्ति महिला जन सुनवाई एवं जागरूकता चौपाल कार्यक्रम भी इस शिविर में शामिल किया जाएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट गिरफ्तारी और जमानत के संबंध में नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में भी शिविर में जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इन जिन महिलाओं के मुकदमे परिवार न्यायालय ललितपुर में लंबित हैं
उन्हें परामर्श भी दिया जाएगा एवं सुलह समझौतों के दस्तावेज कैसे बनाएं इसकी जानकारी भी इस शिविर में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 20 मार्च को जिला स्तरीय लोक अदालत एवं 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने सभी से अपील की है कि वह शिविर एवं वृद्ध लोक अदालतों में आधिकारिक मामलों में निस्तारण में सहयोग प्रदान करें ताकि महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण हेतु मनाए जाने वाले इस महिला पखवाड़ा में आयोजित किए जाने वाले इस लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। विगत दिनों ललितपुर जिले के थाना चाकलौन अंतर्गत कस्बे के स्टेशन रोड स्थित एक अर्ध निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर हुई लूट के मामले में आज पुलिस अधीक्षक ने फरार चल रहे लूटकांड से जुड़े दो वांछित अपराधियों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर खुलासा करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। आखिर क्या था ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए आपको बताऊंगा, थाना जाकलोन में 22 फरवरी को जो पेट्रोल पंप पे एक दुस्साहसिक लूट अंजाम दिया गया जिसमें तीन व्यक्ति जो उस समय प्रकाश में आए थे, एक व्यक्ति पहले इसमें गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। इसके जो दो साथी थे उनको आज थाना जाकलोन पुलिस और SOG पुलिस की मदद से इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, क्योंकि जिस दिन ये पहला व्यक्ति जो जेल गया था उसके बाद हमने इसके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया था 10,000 के। दोनों 10,000 के इनामिया हैं और इन्होंने पूरी घटना को कबूला है। किस प्रकार से इन्होंने पल्सर की बाइक जो उसकी मदद से लूट को कारित किया था और उसके बाद लूट करने के बाद जो दो व्यक्ति घायल हो गए थे उनको हम लोगों ने फिर हॉस्पिटल में भिजवाया था और लूट का जो पैसा ले गए थे उसकी भी काफ़ी रिकवरी हुई है। जो पहला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था उससे 8,500 रुपये गिरफ्तार मिले थे और आज इन दोनों के पास से 40,000 रुपये रिकवर हुए हैं। तो हमारे जो लूट जो पैसा गया था उसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता मिल गई रिकवरी में भी। सर इनके द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस पर हमला किया गया था? जी बिल्कुल, उस समय इनके पास से जो व्यक्ति विजेंद्र जो पहले जेल गया था उसके पास से अवैध असलहे बरामद हुए थे। इन दोनों के पास इस तरीके की कोई चीज़ें बरामद नहीं हुई, बट फिर भी जो घटना में लोहे की जो रॉड इन्होंने प्रयोग की थी वो बरामद हुई है और काले कलर की पल्सर जो प्रयोग की गई थी वो बरामद हुई है। इनको हम जेल भेज रहे हैं और जल्द से जल्द इनके जो मुकदमे जो लिखाए गए हैं चार्जशीट लगा के इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी कराएंगे, उनकी संपत्ति की भी कुर्की कराएंगे अगर इन्होंने पहले भी इस तरीके के अपराध किए होंगे। सर पहले से भी अपराध है सर इनकी, पल्सर गाड़ी किसकी थी? देखिए जो पल्सर गाड़ी थी जो एक व्यक्ति था उसके हमने जान पहचान जिससे हमने पूछा है तो उसने बताया कि ये तीन व्यक्ति आए थे और उन्होंने बताया था पेट्रोल हमारी गाड़ी में खत्म हो गया, अपनी गाड़ी दे दो, हम पल्सर गाड़ी आपसे लेके पेट्रोल भराने जा रहे हैं और आपको दे देंगे वापस। तो इस तरीके से इन्होंने किसी से एक पल्सर गाड़ी को मांगा था और फिर उसके बाद इस घटना से उस पल्सर गाड़ी से इन्होंने घटना को कारित किया। ललितपुर जिले के थाना पूरा कला क्षेत्र के अंतर्गत पूरा कला में सेवा समिति अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ग्राम पठारी में आज पूरी पंचायत में सफाई अभियान चलाया। नगर में सड़क एवं नाली की सफाई की गई। समस्त नगरवासियों ने समाज सेवा का आभार व्यक्त किया। महीनों से नहीं की जा रही थी सफाई, तब भूल गए नेता आने वाले पंचायत चुनाव में अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। जहाँ गंदगी पड़ी हुई है उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आइए देखते हैं ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की ये पूरी रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तालबेहट क्षेत्र अंतर्गत थाना गांव के किसानों ने आज राजघाट नहर से पानी नहीं खोले जाने से परेशान होकर जिला मुख्यालय आकर जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि राजघाट नहर को जल्द से जल्द खोला जाए जिससे वे फसलों को सही समय पर पानी दें। समय पर पानी नहीं मिलने से उनकी फसलें सूख रही हैं जिससे परेशान होकर वह जिला मुख्यालय पहुंचे। यदि प्रशासन सिंचाई के लिए नहरें चालू नहीं कर रहा है तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और प्रदर्शन करेंगे। आखिर किस तरह ये किसान किस तरह परेशान हो रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तालबेहट से मुकेश रजक के साथ दीपू गुप्ता की पूरी रिपोर्ट। हमारा नाम राकेश कुशवाहा है, हमारा ब्लॉक तालबेहट है, तहसील तालबेहट, ग्राम थाना गांव मजरा प्यासी से आए हुए हैं और हमारी नहर में पानी नहीं पहुंच रहा है। हम सभी किसान सभी लोग परेशान हैं, फसल हमारी सूख रही है। हम लोग सरकार से लोन ले रहे हैं, खाद भी सोसाइटी से ले रहे हैं, कहाँ से कर्ज भरेंगे सरकार का। राजघाट नहर से माइनर अभी बंद है, कोई नहर में पानी नहीं पड़ा है, सब नहर पूरी सूखी रखी हुई है। हमारे लिए पानी से बहुत परेशान हैं सारे लोग, पानी से चकल्लस मच गई। और DM साहब के यहाँ अपनी ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई करें, हमारी फसल में पानी जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, इसलिए हमारे किसान को कोई भूख हड़ताल पर ना उतरने पड़े। राजघाट नहर खोली जाए।
ललितपुर जिले के कस्बा बार में बार मेला महोत्सव के दूसरे दिन मेले में काफी भीड़भाड़ देखने को मिली। साथ ही मेले को लेकर कस्बे वासियों से सहित क्षेत्र में अत्यधिक उत्साह है। मेले में लगातार भारी संख्या में भीड़ जुट रही है। मेले में दूसरे दिन म्यूजिकल ग्रुप द्वारा डांस प्रोग्राम किए गए, जिसे लोगों ने म्यूजिकल ग्रुप का आनंद उठाया। साथ ही लोगों ने जमकर तालियां बजाते हुए मेले में आए कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर स्वाधीनता कृष्णा डायरेक्टर MMTC डायरेक्टर भारत सरकार आई। उन्होंने कहा कि जो इस कस्बे में मेले का आयोजन करवाया गया है यह बहुत ही शानदार है व ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.